स्टूडेंट्स टूडे इज अवर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड एज वेल एज ग्रामर सो टूडे वी आर गोइंग टू ऑफ ग्रामर सब्जेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर देर आर ट्वेंटी इन द इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो कितने हैं टोटल लेटर्स ट्वेंटी सिक्स लाइक ए बी सी डी एंड गो ऑन एक्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज दी सी एंड सो ऑन दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ये जो ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है सी के बाद डी आता है डी के बाद ई e आता है ऐसा जो जेड तक के है लेटर जो सीरियल वाइज है ए के बाद बी ही आता है ए के बाद डी या जेड या वाई नहीं आता ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है और जब ये ऐसे लिखे जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके ऊपर हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एक्सरसाइज ए राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये जो बॉडी के पार्ट्स दिए हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं तो वो जो नेम है उनके वो हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रीअरेंज करने हैं तो उन्होंने पहला दिया है नेक एन ई सी के नेक सी एच ई डबल ई के चिक ई वाई ई आई ए आर एम आम एल ई जी लेग एफ डबल ओ टी फूड एस टी ओ एम ए सी एच स्टमक एम ओ यू टी एच माउथ सो हमें ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करने हैं जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला लेटर आता है ए तो हमें ये ढूंढना है कि ए से स्टार्ट होना कौन सा बॉडी पार्ट्स है क्या यहाँ पे है ए आर एम आम और वो वन नंबर पे लिखा है ए के बाद आता है बी बी से स्टार्ट होने वाला कोई बॉडी पार्ट्स है क्या नहीं तो हम नेक्स्ट लेटर लेंगे सी सी से स्टार्ट होने वाला द बॉडी पार्ट्स बिगनिंग विथ सी जो है वो कौन सा है चिक तो सेकंड नंबर पे लिखा हमने चिक सी के बाद आता है डी डी से बिगिनिंग होने वाला जो बॉडी पार्ट्स है वो है क्या यहाँ पे नहीं तो डी के बाद क्या आता है ई से स्टार्ट होने वाला है क्या हाँ है आई तो हमने आई थ्री नंबर पे लिखा ई के बाद आता है एफ एफ से स्टार्ट होने वाला बॉडी पार्ट्स है फुट तो हमने फुट को फोर नंबर पे लिखा ई एफ अब जी आता है जी के साथ स्टार्ट होने वाला कौन सा भी यहाँ पे बॉडी पार्ट्स नहीं है एच नहीं है आई नहीं है जे नहीं है के नहीं है एल एल है एल ई जी लेग सो हमने फाइव नंबर पे लिखा लेग एल के बाद आता है एम एम से स्टार्ट होने वाला बॉडी पार्ट है यहाँ पे माउथ तो वो हमने सिक्स नंबर पे लिखा एम के बाद आता है एन एन नंबर से स्टार्ट होने वाला जो है बॉडी पार्ट्स वो हमने लिखा सेवन नंबर पे नेक एन ई सी के नेक और लास्ट का है जो एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर इनमें से कोई भी स्पीगनिंग होने वाला बॉडी पार्ट या वर्ड नहीं है और तो लास्ट में क्या आता है फिर एस स्टमक तो स्टमक है हमारा एट नंबर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बॉडी पार्ट्स सो यू अंडरस्टैंड वी आर अरेंज द बॉडी पार्ट्स विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब एक्सरसाइज है बी रामू इज अ फ्रूट सेलर रामू कौन है एक फ्रूट सेलर है व्हाट्स टू अरेन्ज हिज बास्केट ऑफ फ्रूट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हेल्प हिम वो हमसे मदद मांग रहा है क्या मदद मांग रहा है उसे ये जो अलग अलग फ्रूट्स के बास्केट्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करने हैं अरेंज करने हैं सो फर्स्ट है ग्रेप्स पियस एप्पल्स ऑरेंजेस बनाना मैंगोज चिकूज फीज ऐसे एट बास्केट यहाँ पे है तो हमें एट फ्रूट्स के जो बास्केट है वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर अनुसार अरेंज करने है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट लेटर आता है हमारा ए सो ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा फ्रूट्स है एप्पल्स तो हमने बास्केट वन नंबर के कॉलम में रखी एप्पल्स की ए के बाद आता है बी बी से स्टार्ट होने वाले है यहाँ पे बनानास So, हमने बनाना को सेकेंड कॉलम में रखा बी के बाद आता है सी और सी से स्टार्ट होते हैं चिकूज सो so, चिकूज के बास्केट को हमने रखा थ्री नंबर के कॉलम में सी के बाद आता है डी डी से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स यहाँ पे नहीं है ई e से स्टार्ट होने वाले भी फ्रूट्स यहाँ पे नहीं है तो ई e के बाद क्या आता है एफ एफ से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स यहाँ पे है फिक्स तो वो हमने फोर नंबर के कॉलम में रखे फ्रूट्स बास्केट एफ के बाद आता है जी जी से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स है यहाँ पे ग्रेप्स वो हमने फाइव नंबर के बॉक्स में बास्केट रखे हैं जी के बाद आता है एच आई जे के एल इससे स्टार्ट, so, स्टार्ट होने वाले कोई फ्रूट्स है क्या यहाँ पे नहीं एल के बाद आता है एम सो एम से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स है मैंगोज सो हमने वो सिक्स नंबर के कॉलम में रखे एम के बाद आता है एन नथी और एन के बाद आता है ओ ओ से बिगिनिंग होने वाला फ्रूट्स नेम है ऑरेंजेस और बास्केट है ऑरेंज की सो ऑरेंजेस के बास्केट को हमने सेवन नंबर के कॉलम में रखा और ओ के बाद आता है पी और पी से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स से पी एस जो हमने एट नंबर के कॉलम में रखे डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स थी इज योर ग्रामर सब्जेक्ट का जो लेसन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है वो आपको इंग्लिश के नोटबुक में कॉलम करके इंग्लिश के नोटबुक के दो पार्ट करने हैं और दूसरे हिस्से में ग्रामर के जो पार्ट होगा उसमें ये आपको दोनों एक्सरसाइज डेफिनेशन के साथ में लिखनी है थैंक यू